हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज क्लासेस में। ये टिप्स एंड ट्रिक्स का तीसरा वीडियो है। इस सीरीज के हमने दो वीडियो बना दिए हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आइए हम ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को पहले से लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने इस सीरीज में फॉर्मूला लिया था सब्जेक्ट प्लस 58, 76, 54, 32, 10। सेंटेंस हम कोई भी इंग्लिश का हिंदी का वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, राजेश नाच चुका है। इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट राजेश, राजेश। अब हमको पीछे से पढ़ना है, पीछे है चुका है, लेकिन हमको चुका है कि इंग्लिश मीनिंग नहीं पता, तो हम तो मैंने रूट्स बनाया। रूट्स है रूट्स नंबर 3 के साथ हमको लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसका सेंस देता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। हैज सिंगुलर के लिए यूज होता है, हैव प्लूरल के लिए यूज होता है, और हैड कॉमन यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। ये दोनों किसका सेंस देते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आर ई ए, हैड चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। ये प्रेजेंट का साथ देता है और ये पास्ट का साथ देता है। आइए इन सेंटेंस को करके देखते हैं। हमने लिख दिया राजेश, अब हमें पीछे चलना है, चुका है, चुका है, मेरा चुका है। इसके लिए राजेश सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हैज लगाना है, हैज लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नाचना, नाचना को कहते हैं डांस, डांस की थर्ड फॉर्म, उसमें ईडी लग जाएगी। राजेश है डांस। आइए दूसरा वाक्य करते हैं। दूसरा है मोहित किताब लिख चुका था। तो सबसे पहले हम लगा देंगे मोहित फॉर्मूले के माध्यम से। अब हमें पीछे से सुनना है, पीछे से सुनना है, चुका था, चुका था। दोनों के लिए कॉमन है, कोई भी लगा सकते हैं, हेड लगाना हमको। मोहित हैड लिखना, लिखना तो कहते हैं, लिखना तो कहते हैं राइट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। क्या लिखना है, किताब लिखना। आइए दो सेंटेंस और करते हैं। अगर आप ये सेंटेंस इंग्लिश क्लासेस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अब बाद में देखिए आप इसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं। आइए मैं कोशिश करता हूँ। आई मैं को कहते हैं आई, मैं लगा दिया। अब हमें पीछे सुनना है, पीछे चाहे चुका हूँ, चुका है, ये लगा सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसके लिए क्या होगा, आई आइए पूरा है, पूरा के लिए होगा है लिखना के लिखना लिखना फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म लगानी हमें राइट रिटर्न एक पत्र लेटर। दूसरा वाक्य राजू सो चुका था। सबसे पहले हम लगा देंगे इस फॉर्मूले के बाद दूसरे राजू चुका था, चुका था, राइट। अब हमें लगानी है सोना की थर्ड फॉर्म, सोना की सोना का कहते स्लिप, थर्ड फॉर्म होते स्लैप। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीरज क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और पास में एक बेल आइकन आया हुआ है उसको प्रेस कीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन जो भी हम वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और ये वीडियो कैसा लगा इस पर लाइक और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।